हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एक झारखंड पर्सनालिटी सीरीज में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जो है वो जानेंगे और समझेंगे। अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा, इनके बारे में जो है वो आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत ही चित परिचित नाम है झारखंड में, और इनका जो है वो राजनीति में बड़ा योगदान रहा, खेल में बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ जो है वो बहुत जगह पे इन्होंने जो है वो झारखंड का जो है वो मान बढ़ाया है, और इन्हीं के बारे में जो है वो आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म जो है वो 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कहाँ? तो पाहन टोली टकरा गाँव के अंतर्गत। गाँव का नाम था टकरा पाहन टोली में, जिला खूंटी, उस वक्त यह रांची जिला के अंतर्गत आता था। 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ। कब? 1903 में। और कहाँ हुआ? तो पाहन टोली टकरा गांव में, खूंटी जिला के अंतर्गत। वहीं इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई, ब्रेन हेमरेज के वजह से। आगे इनके बारे में चर्चा करें तो यह जो है वो जयपाल सिंह मुंडा, इस नाम से स्पष्ट होता है कि यह मुंडा जनजाति से जो है वो रिलेट करते थे। और अगर बात करें तो इनके पेरेंट्स की बात करें, इनके माता पिता की बात करें, तो इनके पिता का नाम अमरू पाहन था और इनकी माता का नाम जो है वो राधा मुनि था। पिता का नाम अमरू पाहन और माता का नाम जो है वो राधा मुनि था। आगे अगर चर्चा करें इस पे हम लोग, तो इनको पॉपुलरली जो है वो मरांग गोमके के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, जिनका नाम होता है एल्डर ब्रदर, या जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। इसी तरह झारखंड में एक और व्यक्ति हैं जिनको गुरु गोमके के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, गुरु गोमके। तो आपको यह कमेंट करके बताना है कि गुरु गोमके जो है वो किनको पुकारा जाता है, गुरु गोमके। और जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़े भाई। और साथ साथ में इनको मुंडा राजा भी जो है वो बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। इनका बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम वेनंद पाहन था, वेनंद पाहन। और उसके बाद में जब ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, तब इनका नाम जो है वो ईश्वरदास पड़ा। बाद में एक हिंदू प्रिस्ट होते हैं, उनका नाम होता है जयपाल मिश्रा, उन्होंने ही इस बालक का जो है वो अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए जो है वो इनका नामकरण जो है वो खुद के नाम पर रखा, और इनका नाम जो है वो जयपाल सिंह जो है वो कर दिया गया। और तब से यह जो है वो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जो है वो जाने गए। इनके कल्चरल गुरु की बात करें, इनके जो सांस्कृतिक गुरु हैं, तो उनका नाम जो है वो शुक्रा पाहन था, शुक्रा पाहन। शुक्रा पाहन इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने अपनी अपर प्राइमरी की शिक्षा जो है वो संत पॉल स्कूल से ली, और उसके बाद जो है वो इन्हीं संत पॉल स्कूल के बाद जो है वो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे रेवरेंड मिस्टर कैनन कॉसग्रेव, ये जो है वो इनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और इनको जो है वो अपने साथ इंग्लैंड ले जाते हैं, और वहाँ पर यह जो है वो इनको एक प्रिस्ट बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि यह जो है वो जयपाल सिंह जो है वो एक क्रिश्चियन पादरी के रूप में जो है वो शिक्षित दीक्षित हों। पर वहाँ इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने जो है वो इनकी प्रतिभा को लोगों ने पहचाना, और फिर ये जो है वो शिक्षा ग्रहण के लिए जो है वो आगे बढ़ते चले गए। और बाद में जो है वो इन्होंने 1922 में जो है वो MA इकोनॉमिक्स किया, यानी अर्थशास्त्र में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और वो भी गोल्ड मेडल के साथ, यानी यूनिवर्सिटी टॉपर थे। कहाँ के? ऑक्सफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने जो है वो MA इकोनॉमिक्स किया 1922 में, और वो भी साधारण अंकों से नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने लाया। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है ये थे। इसके साथ साथ इनको जो है वो 40 पाउंड का स्कॉलरशिप भी जो है वो प्राप्त था, यानी यह जो शिक्षा ले रहे थे इसके लिए इनको जो है वो स्कॉलरशिप भी मिला था। और आप देखेंगे इनके नाम पे ही आज जो है वो झारखंड सरकार भी जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो चला रही है, मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, तो इन्हीं के टैलेंट को जो है वो देखते हुए। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो 2 बारी विवाह किया। पहला विवाह इनका तारा मजूमदार के साथ हुआ। तारा मजूमदार भी जो है वो एक बड़े घराने की थी। इनके जो नाना जी थे वो WC बनर्जी, यानी वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तो तारा मजूमदार जो जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी थी, वो जो है नतनी थी WC बनर्जी का। हालांकि इनका विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं चला, और इनका जो है वो डिवोर्स 1944 में हो गया।
और इन लोगों ने जो है वो क्रिश्चियन रीति रिवाज से दार्जिलिंग में जो है वो शादी की थी। इन दोनों के बीच एक छोटा प्रेम प्रसंग का भी दौर चला और उसके बाद जो है वो पूरा जो लव स्टोरी है वो एक मैरिज स्टोरी में जो है वो बदल गई। उसके बाद इनके जीवन में जो है वो डिवोर्स के बाद एक दौर रहा जब काफ़ी अकेलापन रहा, सुनापन रहा। उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह जहां आरा से जो है वो किया। जहां आरा जो है वो एक डाइवोर्सी थी जो रोनाल्ड कर्टिस नाम के एक कर्नल थे ब्रिटिश आर्मी में। इन कर्नल की जो है वो डाइवोर्सी थी और उनसे जो है वो इनका जहां आरा से जो है वो इनका विवाह हुआ। माना जाता है कि ये जहां आरा से विवाह में जो है वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है वो इनको मोटिवेट किया था। और जहां आरा जो है पहले इनकी सेक्रेटरी भी रही थी और बाद में जो है वो इनकी पत्नी भी जो है वो बनती हैं। तो ये इनका जो है वो वैवाहिक जीवन रहा। इसके बाद यह मैंने पहले ही बताया कि बहुत प्रतिभाशाली थे और इनकी प्रतिभा की अगर बात करें तो ये सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं बल्कि खेल कूद में भी जो बहुत अव्वल रहे थे। और ये एकमात्र ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए या खेल को रिप्रेजेंट करते हुए सबसे अच्छे पायदानों में पहुंचे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें खिलाड़ी जो है वो शामिल होते हैं और इन ग्रुप को इनके प्रतिभा के आधार पर जो है वो नामकरण किया जाता है। उसी तरह जो ब्लू ग्रुप होता है वह सबसे उच्चतम कोटि का जो है वो ग्रुप होता है, सबसे अच्छे खिलाड़ी जो है वो इस ग्रुप में जो है वो शामिल होते हैं। तो यह बिल्कुल सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि इन्होंने जो है वो भारत को गोल्ड मेडल भी ला के दिया हॉकी में 1928 में। और ये जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का जो है वो अवार्ड मिला है 1925 में। आगे इनके बारे में अगर चर्चा करें तो सिर्फ इतना ही नहीं कि खेल में ये जो है वो अव्वल थे बल्कि ये पढ़ाई में भी उतने अच्छे थे। एमए इकोनॉमिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ इन्होंने ICS भी पास किया था यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था वह भी जो है वो इन्होंने पास किया था। और इसके साथ साथ जो है वो खेल भी जो है वो खेलते थे लेकिन ये इस इंडियन सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ये जो है वो नीदरलैंड में हो रहे ओलंपिक गेम के लिए जो है वो भारत के कप्तान चुने गए थे हॉकी के लिए और ये जो है वो उस खेल में जो है वो इनको शामिल होना था, देश को रिप्रेजेंट करना था। इसलिए उन्होंने ICS की ट्रेनिंग जो है वो बीच में ही छोड़ दी और चले गए वहां पे हॉकी खेलने और ऐसा खेले कि एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है वो भारत को गोल्ड मेडल 1928 में दिला दिए। तो इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पढ़ने आए तो एमए इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडल ले लिया इन्होंने, एग्जाम बैठे तो ICS पास कर गए, खेलने चले गए तो गोल्ड मेडल ले आए। कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है जो इन्होंने न छोड़ा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉकी में इनका इंटरेस्ट था लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ हॉकी खेलते थे, कई सारे खेल खेलते थे। ये क्रिकेट में भी खेलते थे, नवाब पटौदी साहब से इनकी अच्छी दोस्ती थी, सरोजनी नायडू की सुपुत्री से भी जो है वो इनकी अच्छी दोस्ती थी। तो ये काफ़ी एक अच्छे जो है संगठनकर्ता के रूप में भी जो है वो देखे जा सकते हैं और बहुत अच्छी जो है वो इनकी मित्रता अच्छे अच्छे लोगों से, इलीट घराने के लोगों से जो है वो इनकी रही है। उसके बाद इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया वर्ष 1939। इसके पहले भी इन्होंने जब लंदन से वापस आए पढ़ाई पूरी करके तो कई जगह पे पठन पाठन का काम किया, कई जगह पे ये पढ़ाने का काम किए, कई जगह पर इन्होंने नौकरियां की। और उसी दौर में जब ये बीकानेर में जो है वो नौकरी कर रहे थे वहीं पर जो है वो बीकानेर जाते समय 1939 में जो है वो आदिवासी महासभा के लोगों ने जो है वो इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आदिवासी महासभा का जो है वो मीटिंग को जो है वो प्रिसाइड करिए यानी मीटिंग को जो है वो अध्यक्षता करिए। और इन्होंने वैसा किया और वहां से इनके जीवन में जो है वो एक नया बदलाव आया और वहां से यह पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है वो शामिल होते हैं और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, बाद में झारखंड पार्टी भी बनाते हैं। तो कई तरह की चीजें यहाँ से चलते हैं। इसके साथ साथ इनके टैलेंट को देखते हुए जो है वो अंग्रेजों ने इनको असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटिंग ऑफिसर भी जो है वो बना दिया था। ये दौर था 40 से 45 का, 1940 से 45 यानी वर्ल्ड वार टू का दौर जो है वो चल रहा था। इस दौर पे अंग्रेजों ने जो है वो इनको असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटिंग ऑफिसर के रूप में जो है वो नियुक्त किया था। इसके साथ साथ ये जो है वो सिविलियन एडवाइजर थे ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। तो जो ईस्टर्न सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड था उसके जो है ये सिविलियन एडवाइजर भी जो है वो नियुक्त किए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने राजनीतिक पारी को जो है वो आगे बढ़ाया और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए मुखर आवाज बने और राज्य का जो है वो निर्माण के लिए जो है वो जो भी पॉसिबल इनके साथ जो है वो चीजें होती चली गई उन सारे को प्रखर रूप से जो है वो ये
आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद इन्होंने जो है वो 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 1949 इन्होंने जो है वो झारखंड पार्टी का जो है वो गठन किया। आदिवासी महासभा जो है उसका मुख्य प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो है वो झारखंड पार्टी का जो है वो निर्माण किया 31 दिसंबर 1949। जमशेदपुर में इसकी मीटिंग हुई थी 31 दिसंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। तो कई जगहों पे आपको जो है वो 1 जनवरी 1950 भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, और असल में जो है ये 31 दिसंबर 1949 को इन्होंने जो है झारखंड पार्टी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। और जो आदिवासी महासभा इसका प्लेटफॉर्म था उसमें क्या था कि पहले जो भी सदस्य होंगे वो आदिवासी होंगे, पर इन्होंने जो झारखंड पार्टी बनाया इसमें सभी वैसे लोग जिनको झारखंड राज्य निर्माण या झारखंड अलग राज्य में बनाने में जो इंटरेस्ट रहा था उन सभी लोगों के लिए इन्होंने जो है वो ये पार्टी जो है वो ओपन कर दी। और झापा यानी झारखंड पार्टी इसका चुनाव चिन्ह जो है वो मुर्गा छाप रहा था, मुर्गा, तो मुर्गा जो है वो इसका चुनाव चिन्ह जो है वो रहा था। तो इन्होंने 31 दिसंबर 1949 को एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था झारखंड पार्टी, और इन्होंने इस झारखंड पार्टी का मेंबरशिप जो है वो सभी के लिए खोल दिया। उसके बाद इन्होंने जो है वो चुनाव भी लड़ा, एक बार चुनाव हारे भी फिर चुनाव जीतते भी चले गए, और ये जो है वो रिप्रेजेंट करते थे ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए यानी कि जो हमारे संविधान को बनाने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस असेंबली को, उस असेंबली में ये जयपाल सिंह मुंडा जो है वो शामिल थे, और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के ट्राइबल लोगों को, भारत के जनजातीय लोगों को। उसके बाद 1952 से लेकर के 1970 तक लगातार जो है वो झारखंड पार्टी के एमपी के रूप में जो है ये पार्लियामेंट में जो है वो उपस्थित रहे, झारखंड पार्टी से जीत कर ये पार्लियामेंट पहुंचते थे, और इसके बाद जो है वो इनको बाद में बिहार सरकार में भी जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो है वो मिनिस्टर बनाया गया, सामुदायिक विकास का मंत्री जो है वो विभाग का जो है वो मंत्री बनाया गया, और उस समय मुख्यमंत्री जो है वो विनोदानंद झा जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या यूं कह सकते हैं पंडित विनोदानंद झा के सरकार में यह सामुदायिक विकास मंत्री भी जो है वो बनते हैं। आगे इनके बाद चर्चा करें तो इनका राजनीतिक करियर, इनका जो झारखंड पार्टी है यह पार्टी जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, 1950 में बना और बाद में 1963 में जो है वो इन्होंने मर्ज कर दिया अपनी पार्टी को। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया गया। तो यह भी जो है वो एक घटना रही, एक पार्टी जो 1949 और 50 को जो है वो बनी आखिरी दिनों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी, वह जो है वो 1963 आते आते जो है वो कांग्रेस में विलय इसका जो है वो हो गया। और उसके बाद इनका राजनीतिक करियर जो है वो बहुत उछाल पर तो नहीं रहा, और बहुत ही इनका दुखद मृत्यु जो है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से 20 मार्च 1970 को जो है वो हो गया। उसके बाद आज के डेट में अगर बात करें तो झारखंड सरकार जो है उनको बहुत सम्मान देती है और बहुत सम्मान के हकदार हैं, बहुत अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और आज के डेट में इनका जो है इनके नाम पर एक मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो झारखंड सरकार दे रही है, जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो लोग हैं उनको जो है वो ऑक्सफोर्ड या लंदन या इस तरह के जो है कई यूनिवर्सिटीज में जो है वो जाकर पढ़ाई करने का अवसर जो है वो झारखंड सरकार देती है, और कंप्लीट वहन खर्च का जो है वहन वो झारखंड सरकार करती है। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए, जयपाल सिंह मुंडा मरांग गोमके साहब को सम्मान देने के लिए झारखंड सरकार ने उनके नाम पर एक योजना भी जो है वो चलाई है, जिसका नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इसके बाद इतने महान विभूति थे, इन पर कई किताबें भी जो है वो लिखी गई हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है लोबीर सेंद्रा। तो यह जो है किताब इन पर लिखी गई है जिसका पूरा नाम है लोबीर सेंद्रा एन ऑटोबायोग्राफी ए मेमोयर ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, यह पुस्तक 2004 में जो है वो लिखी गई और जयपाल सिंह मुंडा साहब पर लिखी गई है। इसके बाद द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा नाम की भी एक किताब लिखी गई है, जो संतोष कीरो साहब के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और इसके साथ साथ बलबीर दत्त साहब बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं झारखंड में, इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है जयपाल सिंह एक रोचक अनकही कहानी। तो ऐसे महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा साहब, इनके बारे में जो है वो आज हम लोगों ने जो है वो जानने और समझने का प्रयास किया। एक बार क्विक हम लोग जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा साहब
जयपाल सिंह मुंडा साहब, इनका जन्म जनवरी 1903 कहां, टकरा के पहन टोली में, टकरा गांव कहां पड़ता है, खूंटी जिला के अंतर्गत। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को ब्रेन एमरेज से। इनके पिता का नाम अमरू पहन और माता का नाम राधा मुनि, अमरू पहन और राधा मुनि। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इनको जो है वो मरांग गोमके के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है बड़े भाई। साथ साथ में इनका नाम मुंडा राजा भी जो है वो कहा जाता है। बचपन में इनका नाम वेनंद पहन था, बाद में जब ये क्रिश्चियन बने तब इनका नाम ईश्वरदास हो गया, और बाद में एक हिंदू पुजारी ने इनका नाम जयपाल सिंह जो है वो रख दिया, तब से ये जयपाल सिंह मुंडा नाम से जाने गए। इन्होंने जो है पर प्राइमरी संत पॉल स्कूल से की। संत पॉल स्कूल के ही जो प्रिंसिपल रहे रेवरेंड मिस्टर कैनन कॉसग्रेव, ये इनको अपने साथ इंग्लैंड लेकर गए और वहाँ जो है वो इनको पादरी बनाने की जो है वो शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन वहाँ इनकी प्रतिभा को देखते हुए जो है वो इनको शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ गई है। और 1922 में इन्होंने एमए किया, इकोनॉमिक्स विषय से, अर्थशास्त्र विषय से 1922 में इन्होंने एमए किया, और वहाँ भी ये गोल्ड मेडल लेकर आए, यानी यूनिवर्सिटी टॉपर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। और इनको जो है वो 40 पाउंड का स्कॉलरशिप भी जो है वो दिया गया। इसके बाद इनका पहला विवाह जो है वो तारा मजूमदार से हुआ। तारा मजूमदार जो नतनी थी डब्ल्यू सी बैनर्जी की, बट उनसे 1940 में इनका जो है वो डिवोर्स जो है वो हो गया। इसके बाद इन्होंने दूसरी बार जहां आरा से जो है वो विवाह किया, जो रोनाल्ड कार्टिस की जो है वो डाइवोर्सी थी, और पहले ये जो जहां आ रहा है वो इनकी सेक्रेटरी थी, बाद में वो जो है वो इनकी वाइफ भी जो है वो बन गई। इनका खेल में बहुत विशेष रुचि थी और ये एक ऐसे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। इसके साथ साथ ये इंडियन सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट हुए, लेकिन ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान के रूप में, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में यह ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम चले गए, और वहाँ 1928 में इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद 1940 में ये एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं और आदिवासी महासभा की अध्यक्षता करते हैं, और फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष और पूरा आदिवासी महासभा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। फिर 1940 से 45 के दौर में इनको असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटिंग ऑफिसर बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। यह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। उसके बाद इनको सिविलियन एडवाइजर भी बनाया गया ईस्टर्न कमांड सिलेक्शन बोर्ड का। यह भी जो है वो विश्व युद्ध सेकेंड के दौर की चीजें थी। उसके बाद इन्होंने जो है वो भारत की आज़ादी के बाद 31 दिसंबर 1949 को एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया झारखंड पार्टी, जिसको हम लोग झापा के नाम से जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह जो है वो मुर्गा हुआ करता था। यह 31 दिसंबर 1949 और 1 जनवरी 1949 को जमशेदपुर में जो है वो घोषणा की गई। इसके साथ साथ इस पार्टी ने जो है वो सभी लोगों के लिए जो है वो मेंबरशिप के रास्ते खोल दिए, चाहे वो आदिवासी हों चाहे वो सदान हों। इसके साथ साथ ये जो है वो एमपी भी रहे और ट्राइबल्स को जो है वो ट्राइबल पीपल को जो है वो रिप्रेजेंट करते रहे। इसके साथ साथ इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस असेंबली में भी जो है वो ये सदस्य थे और इन्होंने जो है वो ट्राइबल पीपल को वहाँ रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये जो है वो आम चुनाव में झारखंड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या झारखंड पार्टी के एमपी के रूप में 1952 से लेकर के 70 तक रहे और लोहरदगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये जीतते रहे थे। उसके बाद इनको जो है वो बिहार सरकार में जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया, पंडित विनोदानंद झा के सरकार के अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने 1963 में अपनी पार्टी 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी को कांग्रेस में जो है वो विलय कर लिया। उसके बाद इन्होंने इस पार्टी को रिवाइव करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। बाद में इनकी मृत्यु जो है वो ब्रेन हैमरेज से 20 मार्च 1970 को हो गई। और इन महान विभूति को सम्मान देने के लिए झारखंड सरकार ने इनके नाम पर कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, या 2020 में लाई गई योजना है। इसके साथ साथ इनके ऊपर कुछ किताबें लिखी गई हैं, जिनमें लो बीर सिंद्रा एन ऑटोबायोग्राफी ए मेमोयर ऑफ जयपाल सिंह मुंडा है, जो 2004 में लिखी गई। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा संतोष कीरो साहब ने लिखा है, और बलबीर दत्त साहब ने जयपाल सिंह एक रोचक अनकही कहानी नाम से पुस्तक लिखा है। इसके साथ साथ इनके नाम पर रांची में जो है वो एक स्टेडियम भी है, जिनको हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम के नाम से जो है वो जानते हैं।
तो इन विभूति के बारे में, इन पर्सनालिटी के बारे में आज हम लोग जो है देखे हैं। इनमें जो है वो इतनी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो परीक्षा के रूप से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्रयास आपको, इसके बारे में जो है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बता सकते हैं। और भी किन विषयों पर आपको वीडियोस की ज़रूरत है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।